हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एम की पांडे। वेंटिलेटर का नाम हम सबने पहले भी सुना हुआ है, पर आज के टाइम में इस सिचुएशन में वेंटिलेटर को बच्चा बच्चा भी जान गया है। तो आज हम आपसे वेंटिलेटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एक मेडिकल वेंटिलेटर ऐसे पेशेंट की जान बचाता है जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है या जिनके लिए खुद सांस ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये हम सब जानते हैं कि हमारी सांस लेने की प्रक्रिया लंग से जुड़ी होती है। लंग्स की वजह से हम फ्रेश ऑक्सीजन ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट गैसेस को बाहर भी निकालते हैं। ऐसी कई बीमारी होती है जिस कंडीशन में हमारा लंग सही से काम नहीं करता, उस समय वेंटिलेटर लंग्स की मदद करता है और यही वेंटिलेटर की मदद से लंग्स में होने वाली ब्रीथिंग प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। वेंटिलेटर को रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग मशीन भी कहा जाता है। ये वेंटिलेटर लंग्स में एयर पुश करते हैं और इस एयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। वेंटिलेटर हीटेड ह्यूमिडिफायर भी होता है जो एयर सप्लाई में हीट और मॉइस्चर को भी ऐड कर देता है ताकि ये एयर पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर से मैच कर सके। जब पेशेंट को ब्लड में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाता है तो उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। इस कंडीशन को रेस्पिरेटरी फेलियर भी कहा जाता है। वेंटिलेटर को इस तरीके से सेट किया जाता है जैसे कि ये पेशेंट की लंग्स में हवा भेजे। वेंटिलेटर से दो तरीके से पेशेंट को लंग्स में हवा भेजी जा सकती है। पहला मास्क के जरिए, दूसरा ब्रीथिंग ट्यूब के जरिए। नॉर्मल कंडीशन में मास्क का यूज़ किया जाता है और कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होने हो तो ब्रीथिंग ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। वेंटिलेटर प्रेशर का यूज़ करके ऑक्सीजन लंग्स में पहुँचता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस की तरह होता है। वेंटिलेटर पर रहने वाले पेशेंट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, चेस्ट एक्सरे और स्कैन को भी रेगुलर मॉनिटर किया जाता है। वेंटिलेटर ऑपरेशन के प्रेशर एक्सपिरेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए क्लोजली मॉनिटर्ड किया जाता है। कुछ पेशेंट को शॉर्ट टर्म केयर के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और कई पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है। कुछ वेंटिलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और कुछ बैटरी से। मैकेनिकल वेंटिलेटर मेनली हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं और एम्बुलेंस से मेडिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज़ होते हैं। कुछ केसेस में इनका यूज़ घर पे किया जाता है जब पेशेंट की बीमारी लॉन्ग टर्म होती है और उसके घर में सारे रिसोर्सेज होते हैं। इसकी ज़रूरत सर्जरी के दौरान भी पड़ सकती है, सर्जरी से रिकवर करते भी। इसके अलावा बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि अपर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्ट्रोक, प्रीमैच्योर लंग्स इन प्रीमैच्योर बेबीज, पोलियो, निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, ड्रग ओवरडोज, कोलैप्स लंग्स, ब्रेन इंजरी, कोमा। वेंटिलेटर एक लाइफ सेविंग मशीन तो है ही, पर अगर पेशेंट को लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पर रखा जाए तो उसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि निमोनिया और साइनस, जो वेंटिलेटर से होने वाली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम में से एक है। इसके अलावा वेंटिलेटर पर लंबे टाइम तक रहने से ये प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, जैसे कि ब्लड क्लॉट, मसल्स वीकनेस, वोकल कॉर्ड डैमेज, नीमोथोरेक्स, लंग डैमेज, स्किन इन्फेक्शन। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि वेंटिलेटर एक लाइफ सेविंग मशीन और मेडिकल फील्ड में इसकी वजह से कई जानें बचाई गई हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।